ज़िले में टूरिज़्म के और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए और फुटफॉल बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोगों ने इसी के लिए गोविंदगढ़ लेक का निरीक्षण किया था। बहुत ही अच्छी प्राकृतिक धरोहर है ये, जहाँ पर कि एक अच्छा लेक भी है, प्राचीन इमारत भी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पहला सफ़ेद शेर मोहन रहा है, उसकी पहली वो जगह है जहाँ पर उनके वो बड़ा हुआ था और काफ़ी दिनों तक निवास किया था, वो साइट भी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुकुंदपुर वाइट्स टाइगर सफारी जो है, जो कि मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर है, उसको और गोविंदगढ़ लेक को लेते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए ताकि वहाँ पर टूरिस्ट के रुकने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, बोटिंग के लिए, क्रूज़ एक्टिविटी के लिए चीज़ें डेवलप हो सके और इस पूरे इलाके का एक टूरिस्ट मैप पे अच्छा पोजीशनिंग हो जाए। इसी के आसपास ही एक और अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी है और नया जो टनल बना है वो भी है। तो ये एक बड़े पैकेज के रूप में डेवलप हो सकता है। हम लोग इसके बारे में एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस इलाकों को मध्य प्रदेश के टूरिस्ट मैप पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए डेवलप किया जाए।